Hi everyone, I'm Shashri. Welcome back to my channel. कैसे हैं आप लोग सब? Do let me know in the comment section. आज का जो वीडियो है highly requested one है. आप लोगों ने से बहुत जन ने मुझे पूछा था कि मील प्लानिंग चाहिए. So finally आज के वीडियो में शेयर कर रही हूँ एक कम्प्लीट मील प्लानिंग फॉर वन वीक. इसमें मैं शेयर कर रही हूँ कम्प्लीट मील प्लानिंग मतलब एवरी डे ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स एंड डिनर. एंड ऑल्सो मैं शेयर कर रही हूँ मैं अपना ग्रॉसरी लिस्ट कैसे बनाती हूँ एवरी वीक और टू वीक्स के लिए भी कभी कभी चल जाता है. सो होप दिस वीडियो विल बी ए हेल्पफुल वन जो लोग वेट लॉस में जाना चाहते हैं. एंड अनदर डिस्क्लेमर की आई एम नॉट ए डाइटिशियन, मैं किसी मेडिकल रिलेटेड नहीं हूँ. दिस इज ए कम्प्लीट मील प्लानिंग दैट वर्क्स रियली गुड फॉर मी. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो एंड आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे. स्टार्ट करते हैं मील प्लानिंग से. फिर हम लोग ग्रॉसरी लिस्ट बनाएंगे एंड प्री प्रिपरेशन एंड एट द एंड आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ग्रॉसरी हॉल फॉर दिस मील प्लानिंग. तो आजकल मेरा मॉर्निंग शुरू होता है वन ग्लास ऑफ वार्म वाटर से, इधर विथ लेमन और नहीं तो प्लेन ही पानी पीती हूँ. तो सुबह जो होता है मेरा टी के साथ शुरू हो रहा है आजकल. टी कंपल्सरी हो गया है. तो जैसे काढ़ा हो गया, टी हो गया, उसके साथ सोक्ड आलमंड्स, अगर भूख लग रहा है सूजी रस्क ले लेती हूँ, नहीं तो वन स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड. डिपेंड करता है अपने भूख के हिसाब से, रात के खाने के हिसाब से. जिस दिन टाइम मिलता है मैं टी के बाद अपना वर्कआउट करती हूँ तो उस दिन मैं मेक श्योर करती हूँ कुछ ना कुछ खा लूँ. फिर मेरा ब्रेकफास्ट होता है जैसे कि मंडे हो गया ओवरनाइट ओट्स विथ फ्रूट्स, ट्यूसडे को हम लोग स्मूदी ले लेंगे कुछ मिक्स्ड फ्रूट का, वेंसडे को एवोकाडो टोस्ट जो कि मेरा फेवरेट है, थर्सडे को ओट्स उत्तपम है, इसका रेसिपी मैं पहले भी शेयर की हूँ, फ्राइडे को हो गया बॉइल्ड एग, सैटरडे को पोहा और मल्टीग्रेन डोसा, संडे को ऑमलेट और इडली जो भी घर में बन रहा है. बट मेक श्योर करती हूँ कि अपना पोर्शन कंट्रोल के ऊपर मैं ध्यान दे रही हूँ. और जैसे कि मैं टी लेती हूँ उसके बाद ब्रेकफास्ट लेती हूँ तो मेरे लिए मीट स्नैक्स जो होता है कंपलसरी नहीं होता है. किस दिन अगर भूख लग रहा है तो मैं बनाना कुछ फ्रूट्स ऐसे ले लेती हूँ. इफ़ यू फील लाइक कि आपको एक मीट स्नैक्स चाहिए यू कैन इंक्लूड ए लिस्ट ऑफ मीट स्नैक्स. अभी बात करते हैं लंच के बारे में. बिंग फ्रॉम एन ओडिया फैमिली मेरे घर में जैसे करके भी राइस दाल करी विथ लीफी वेजिटेबल्स होता ही है. तो मंडे हम लोग शुरू करेंगे रोटी पनीर करी एंड सलाद के साथ. ट्यूजडे जैसे कि हो गया लवास ब्रेड, इसके बारे में मैं पहले भी अपने व्लॉग्स में बात की हूँ, उसके साथ बेसन करी है, रायता है. वेंसडे को जैसे कि ओट्स हो गया, ओट्स का उत्तपम मैं बना लूँगी, उसके साथ करी दाल. थर्सडे को वेजी सैंडविच, उसके साथ सलाद. जैसे कि किस दिन मन करता है कि आपको राइस रोटी नहीं खाना है उसके जैसे दिन में आप कुछ ऐसे ही सैंडविच खा सकते हैं. फ्राइडे को हो गया जैसे कि नॉनवेज खा सकते हैं तो फिश करी के साथ वन बाउल ऑफ राइस, उसके साथ सलाद, रायता, कुछ भी. सैटरडे को हम लोग का मिक्स दाल डोसा, सुबह का जो लेफ्ट ओवर रहता है उसके साथ मैं सांभर जैसे कि चटनी कुछ भी खा लेती हूँ. संडे अगेन नॉनवेज डे है तो राइस के साथ ऑमलेट करी, उसके साथ सलाद हो गया. एंड नेक्स्ट आता है हम लोग का इवनिंग स्नैक्स. जैसे करके मैं लेती हूँ कॉफ़ी विथ लाइक विथ शुगर और कभी कभी मेरा जो मॉन्ग फ्रूट स्वीटनर है मैं आप लोगों को शेयर की थी उसके साथ लेती हूँ. कभी मन किया तो जाल मुड़ी, मखना फ्राई, एप्पल विथ पीनट बटर, कोई भी फ्रूट्स मन कर रहा है खाने के लिए जैसे कि पाइनएप्पल हो गया तो मैं वैसे ही लेती हूँ. इवन जैसे कि वर्कआउट अगेन कभी कभी इवनिंग को करती हूँ तो उस टाइम पर मैं क्या करती हूँ टोस्ट के साथ कॉफ़ी ले लेती हूँ. अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा मुझे चाट आइटम ये सब ना डिनर में बहुत ही अच्छा लगता है. तो मंडे को मेरा चना चाट हो गया, ट्यूजडे को स्प्राउट चाट हो गया, वेंसडे को पनीर सैंडविच हो गया, थर्सडे को अगेन मैं स्प्राउट का उपमा बना लूँगी, फ्राइडे को जैसे कि नॉन वेज है ग्रिल्ड वेजी के साथ सैल्मन भी ले लूँगी, सैटरडे को बेसन चीला के साथ जो लेफ्ट ओवर सांभर रहेगा वो मैं ले लूँगी, एंड संडे को अगेन मैं जैसे कि लावास ब्रेड का एवोकाडो रोल ले लूँगी. ये हो गया पूरा मील प्लानिंग. और ऐसे भी होता है कि दिन मैं लेफ्ट ओवर ही खाती हूँ, रात को कुछ स्पेसिफिक नहीं बनाती हूँ एंड मेक श्योर करती हूँ कि बिफोर 2 आवर्स बेड ही मैं खा लूँ अपना डिनर. अभी बात करते हैं ग्रॉसरी लिस्ट का. मैं 2 वीक्स के लिए ग्रॉसरी बना रही हूँ जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, नहीं तो मैं वीकली लाती थी. तो अब जैसे कि होल ग्रेन्स में आपको जैसे ही पसंद है राइस हो गया, ब्राउन राइस हो गया, ओट्स हो गया, किनोवा हो गया, नॉर्मली तो आटा सबके घर में रहता है. फ्रूट्स आपके हिसाब से एनी सीजनल फ्रूट्स आपको जो अच्छा लगता है खाने के लिए. वेजीज में ऑल वेजीज मैं लाती हूँ इंडियन ग्रॉसरी से, उसके साथ एवोकाडो हो गया, स्पिनच हो गया, वो सब मैं लाती हूँ. लेंटिल्स तो हम लोग के इंडियन फैमिली में सब कुछ रहता है. प्रोटीन में आपको जैसे पसंद है पनीर हो गया, सोया चंक्स हो गया, एग हो गया, जो भी मीट आप लोग खाते हैं वो. एंड हेल्दी फैट में मैं ऐड की हूँ चिया सीड, नट्स एंड पीनट बटर.
मील प्रिपरेशन डजन मीन कि हम लोग को फ्रिज का खाना ही खाना है, हम लोग के घर में तो फ्रेश खाना ही बनता है हर रोज़, बट स्टिल मैं मेक श्योर करती हूँ कुछ चीज़ अपने से ही पहले से रेडी करके रखूँ, ताकि जब भी भूख लगे मैं हेल्दी ऑप्शन ही चूज करूँ खाने के लिए। मील प्लानिंग के हिसाब से आज हम लोग बनाएंगे मूंग स्प्राउट, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ एंड इट्स वे सिंपल वे, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। ओवरनाइट मैं मूंग को, जो ग्रीन मूंग है उसको सोख करके रखी थी। मॉर्निंग को मैं क्या की, ऐसे ही बड़ा सा बाउल में पानी, थोड़ा सा नीचे आप लोग देख सकते हैं हल्का सा ही है, ऊपर से मैं जो छन्नी होता है उसमें मैं मूंग को रख दी। और ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास कपड़े नहीं है, जो कि पतले कपड़े होते हैं वो नहीं है, अगर आपके पास होता है आप लोग यूज कर सकते हैं। मैं नॉर्मल सा नैपकिन ली, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे एंड उसको अनादर डे हम लोग रख देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग का मूंग स्प्राउट कितने अच्छे से रेडी हो गया है। नेक्स्ट है ओट्स का आटा हम लोग बनाएंगे, तो मैं ओट्स को ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लूँगी, फिर हम लोग इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे एंड फिर ग्राइंड कर लेंगे। ओट्स का आटा का रेसिपी मैं पहले भी अपने व्लॉग्स में शेयर की हूँ आप लोग के साथ, इससे आप उत्तपम बना सकते हैं, आप स्मूदी में ऐड कर सकते हैं, आप रोटी बना सकते हैं, तो इससे अनदर हेल्दी ऑप्शन, आप डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। और मील प्लानिंग के हिसाब से आज मैं चना सोखी हूँ, काला चना जो हम लोग का होता है, मैं ओवरनाइट सोखी, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी प्रेशर कुकर में, नमक ऐड करूँगी और हम लोग इसको बॉईल कर लेंगे। और ये चना आप फ्रीज में 1 वीक तक रख सकते हैं। नेक्स्ट काम है बहुत सिंपल सा है, सबके घर में भी बनता है, बट मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरा आटा जो ना रेडी होके रहे स्पेशली रोटी के लिए, नहीं तो कभी कभी आलसी लगता है एंड मैं और कुछ खा लेती हूँ इसी हिसाब से। नेक्स्ट है इवनिंग स्नैक्स के लिए मैं थोड़ा सा मखना फ्राई बना रही हूँ, मुझे इवनिंग को थोड़ा सा चटपटा कुछ नमकीन वाला खाना अच्छा लगता है। इसको हम लोग ड्राई रोस्ट कर लेंगे, फिर हम लोग पैन में ऑयल लेंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी ऐड करेंगे, ऊपर से हम लोग जो ड्राई रोस्ट हुआ मखना ऐड कर देंगे एंड थोड़ा सा नमक एंड चाट मसाला ऐड करेंगे एंड दैट्स इट, हम लोग का पिक स्नैक्स रेडी है। हे एवरीवन, अभी मैं देती हूँ पूरा कंप्लीट मेरा ग्रॉसरी फॉर 1 वीक, 1 वीक से ज़्यादा भी चला जाता है, बट मिड ऑफ द वीक मैं फिल्म कर रही हूँ ये वीडियो, तो थोड़ा बहुत कुछ कुछ चीज़ कम है, बट मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि ये सब चीज़ मेरे लिए स्पेशली मेरे लिए आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं मैं क्या सब ग्रॉसरी लिस्ट बनाई हूँ इस बार। तो अभी बात करते हैं ग्रॉसरी क्या आया है। फर्स्ट थिंग कि मुझे चना बहुत पसंद है, जस्ट फॉर योर प्रोटीन इनटेक, और ये बहुत काफ़ी फीलिंग रहता है। तो बहुत सारे चना है, काला चना है, चिकपीस है, मटर है, तो जो भी आपको पसंद है मैं अल्टरनेटिवली चेंज करती रहती हूँ। तो काला चना इस बार मैं सोख की हूँ और इसको बॉईल करके रख दी हूँ, ये मेरा 2 से 3 टाइम चला जाता है। सेकेंड थिंग है मूंग का स्प्राउट है, ये मूंग का स्प्राउट मेरा उपमा में जाता है, सलाड में चलता है, और इवन मूंग अगर स्प्राउट नहीं बना रही हूँ तो मूंग का जो चीला होता है ना, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट, डिनर भी होता है मेरा, लंच भी होता है। आटा भी थोड़ा सा मैं गूंद के रख दी हूँ, इससे क्या होता है अगर राइस मैं बना रही हूँ तो मुझे आलसी ना लगे कि मुझे रोटी नहीं खाना है करके। तो ये मैं ऐसे नहीं कि 1 वीक के लिए जाएगा, ये करती रहती हूँ मैं। इंडियन वेजेस जो होता है सब कुछ आता है घर में, जैसे कि भिंडी हो गया, बैंगन हो गया, करेला हो गया, जितने भी वेजेस है, आप लोग ब्लॉग मेरा फॉलो करते हैं तो आप लोग को पता ही होगा मैं सब कुछ लाती हूँ, बट फ्यू वन लाइक स्पेसिफिक वन जो कि मैं खुद के लिए लाती हूँ, जैसे स्वीट पोटेटो हो गया ये मैं खाती हूँ और देवांश को भी देती हूँ, जुकनी हो गया ये भी आता है, एवोकाडो इज वन ऑफ माय फेवरेट, मैं इसे एवोकाडो पिट्टा वाला जो सैंडविच खाती हूँ, नहीं तो एवोकाडो सैंडविच खाती हूँ, इट्स रियली हेल्दी वन, गुड फैट, तो ये जरूर इंक्लूड कीजिए अगर आपको मिल रहा है तो। इंडिया में मुझे इतना आइडिया नहीं बट US में तो हर किसी को भी मिल जाएगा। उसके साथ आता है क्यूकम्बर जो कि डेफिनेट है, आता ही है सलाड के लिए। उसके साथ लेमन आता है, लेमन जो कि हम लोग का जो सुबह का पानी होता है, इवन लंच के साथ भी सलाड में थोड़ा सा मुझे लेमन, नहीं तो मैं कर्ड खाती हूँ। एंड फ्रूट्स का इतना शौकीन मैं नहीं हूँ, बट फ्रूट जैसे कि हो गया ब्लूबेरी हो गया, फ्यू ऑरेंजेस हो गया, एप्पल हो गया, आजकल मैं ट्राई कर रही हूँ स्पेशली फॉर स्नैक्स, जैसे कि इवनिंग का स्नैक्स। और अभी स्नैक्स में मैं बात कर रही हूँ, आजकल मैं नट्स बहुत ही अच्छा लगता है मुझे खाने के लिए एंड इट्स रियली फीलिंग, आप थोड़ा सा चाय के साथ थोड़ा बहुत नट्स खा ले रहे हैं ना, तो इट्स रियली गुड। उसके साथ है मेरा रोस्टेड चना है, जिसकी पीनट बटर हो गया, एप्पल के साथ पीनट बटर गोस रियली नाइसली, तो उसके साथ मैं खाती हूँ। और यहाँ पे मैं बना के रख दी हूँ ये ओट्स का पाउडर, जो कि यू नो इससे आप चीला बना सकते हैं, ये स्मूदी में ऐड कर सकते हैं, इससे आप यू नो आटा वाला रोटी बना सकते हैं ओट्स का, तो ये सब कुछ हो जाता है। एंड अगेन ये है मेरा चिया सीड जो कि मेरा ओवरनाइट ओट्स में जाता है, कभी कभी स्मूदी में भी मैं ऐड करती हूँ, तो ये हो गया। एंड अभी आप लोग को फ्यू ऑप्शन देती हूँ लाइक प्रोटीन इनटेक के लिए, पीनट्स भी है यहाँ पे,
प्रोटीन इंटेक के लिए अगर आप वेज है ना तो सोया चंक्स जरूर ऐड कीजिएगा अपने खाने में। एग जो है मेरा अभी फेवरेट हो गया है, इट्स सो फिलिंग। अगेन मेरा प्रोटीन इंटेक जो होता है काफ़ी ठीक से रहता है। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो कि मैं फ्यू ऑप्शन दे रही हूँ आप लोग को आपका कार्ब्स के लिए, लो कार्ब्स के लिए। ये है 100 कैलोरी होल व्हीट का है, ये 100% होल व्हीट का है ये, और इसका एक ब्रेड पीस होता है 60 कैलोरी का। तो ये एक मैं प्रीफर करती हूँ खाना। अनदर दो चीज मैं पहले भी शेयर की हूँ, लेवस ब्रेड है, ये अगेन 60 कैलोरी का है। तो इट्स अनदर ऑप्शन अगर आप वर्किंग हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है रोटी बनाने के लिए, डेफिनेटली डू ट्राई दैट वन। अनदर दिस वन मैं पब्लिक से इस बार ट्राई की, ये भी मल्टीग्रेन का है 7 ग्राम ऑफ प्रोटीन के साथ, बट इसका ये है कि 100 कैलोरी का है, जस्ट लाइक हम लोग का रोटी जैसे होता है वैसे ही। उसके साथ मैं फ्रूट्स कट करूंगी, पाइनएप्पल है आज अभी तक कट नहीं किए हूँ, मखना थोड़ा सा फ्राई कर ली हूँ फॉर स्नैक्स। अनदर फ्यू थिंग्स जो कि मैं डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, पनीर है आजकल बींग ए वेजिटेरियन, मैं वेजिटेरियन तो नहीं हूँ बट भेज मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा बनता है, तो पनीर ऑलमोस्ट 2-3 डेज मेरे घर में बनता ही बनता है, तो पनीर अनदर फ्यू है जो कि मैं खाती हूँ। एंड ये ट्राई की एक आप लोग जरूर ट्राई कीजिए आई पी एस मेरी यू एस ए, ये कॉस्को से मैं लेके आई। ये है स्टीर फ्राई वेजिटेबल जो कि ना बहुत ही अच्छा लगता है, जस्ट आपको थोड़ा सा कुछ सॉस ऐड करना है, नहीं तो ऑयल में ब्लैक पेपर गार्लिक के साथ आप फ्राई कर ले रहना, इट्स सो यम्मी, आप आराम से खा सकते हैं। और ढेर सारा वेजी है आपका, तो वेजीज के लिए आपको टेंशन नहीं होगा। एंड इसके साथ मैं सालमन भी मेरे पास रहता है, और कोई भी फिश रहता है तो इसको हम लोग फ्राई करते हैं, बेक करते हैं और मैं खाती हूँ। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का ग्रॉसरी लिस्ट। मैं आपको ये शेयर करना चाहती थी कि अगर मीठे खाने को मन कर रहा है तो ये आइसक्रीम मैं इस बार लेके आई थी, मैं पहले भी ट्राई की हूँ, ये 70 कैलोरी का है ये मैंगो आइसक्रीम, और इवन 50 कैलोरी 30 कैलोरी का भी आइसक्रीम मिलता है, तो डिजर्ट में आप वो ले सकते हैं। मुझे डेट्स बहुत पसंद है, मैं डेट्स खाती हूँ, एप्रिकॉट है वो खाती हूँ जो कि ड्राई फ्रूट्स होता है, एंड दिस वन इज़ ए गुड वन, आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। ये मील प्लानिंग के साथ आपका वाटर इनटेक, पोर्शन कंट्रोल, वर्कआउट होना जरूरी है, उसके साथ आपको फ्यू थिंग्स अवॉइड करना है खाने में, देन ओनली आपको थोड़ा सा वेट लॉस में डिफरेंस फील होगा। तो ये था आज का वीडियो, होपफुली आप लोग एंजॉय किए होंगे, एंड मैं पूरा कंप्लीट लिस्ट ऑफ मील प्लानिंग एंड ऑल्सो ग्रॉसरी लिस्ट एंड ऑल्सो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हूँ जिससे आप अपना वेट लॉस जर्नी शुरू कर सकते हैं। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ बिग थम्स अप, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द रेड बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, चूज द ऑल ऑप्शन ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी इन माई नेक्स्ट वन, टिल देन बाय एंड टेक केयर।